हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो हमारी क्लास है, यह है सामान्य हिंदी से संबंधित, जिसमें कि हम समास के बारे में आज पढ़ेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में समास के बारे में पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला है समास के मुख्य भेद। छह भेद होते हैं समास के, मुख्य छह भेद होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में और इसके उदाहरण देखेंगे। तो अव्ययीभाव समास क्या है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह प्रायः अव्यय होता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो अव्यय क्या होता है? अव्यय वह होता है जिसमें कि वाक्य में कोई परिवर्तन करने पर अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्ययीभाव होते हैं। तो वही समास के अंतर्गत दिए जाते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जहाँ पर पूर्व पद अव्यय नहीं होता, वहाँ पर द्वितीय पद अव्यय होता है। अगर पहला पद मान लो कि अव्यय नहीं है, तो दूसरा पद अव्यय होगा। तो समास के समास करने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है और क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, समस्त पद है, ये पद है आजीवन, तो समास विग्रह है इसका जीवन भर, जीवन रहने तक, इस तरीके से इसका समास विग्रह होगा। यह अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं सारे। आजन्म, जन्म से लेकर, आमरण, मरण या मरने तक, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके या जैसा शीघ्र हो, यथासंभव, जितना संभव हो। फिर यहाँ यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, अनुरूप, रूप के अनुसार, प्रत्येक, हर एक, प्रत्यक्ष, आँखों के सामने, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। ये सारे हैं अव्ययी भाव के उदाहरण। इसके अतिरिक्त भी इसमें जो है वह उसमें है यथा शीघ्र, जितना या जैसा हो शीघ्र हो, प्रत्यक्ष, आँखों के सामने, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, यथा संभव, जितना संभव हो, यथा समय, समय के अनुसार, यथोचित, जितना या जैसा उचित हो, यथाविधि, विधि के अनुसार, अनजाने, बिना जाने, रोता रोता, रात ही रात में, रातों रात, रातों रात, रात ही रात में, बेखटके, बिना किसी खटके, बेकाम, बिना किसी काम, भरपूर, पूरा भरा हुआ, भरपेट, पेट भर, बेशक, बिना किसी शक के। तो ये सारे उदाहरण हैं अव्ययी भाव समास के। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अधिकतर अव्ययी भाव समास आ से प्रारंभ हो रहा है या फिर यथा से प्रारंभ हो रहा है ना। यहाँ सब यथा से प्रारंभ हुआ है, यहाँ पर आ से प्रारंभ हुआ है जो अव्ययी भाव समास है, या फिर प्र से भी यह स्टार्ट हुआ है, वह भी देखिए। ये भी सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो हमारी एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। समास, अभी हमने अव्ययी भाव समास देखा, इसके बाद अगली क्लास में अगला समास देखेंगे। धन्यवाद।